नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात होने वाली है प्रतिशत परसेंटेज के बारे में। दोस्तों प्रतिशत के क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये आपका काफ़ी सारा समय ले जा लेते हैं, लेकिन अगर आज आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप प्रतिशत के हर एक क्वेश्चन को 20 से 30 सेकेंड में पूरी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले प्रतिशत का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। प्रतिशत परसेंट, परसेंट मतलब पर और सेंट मतलब होता है 100, ठीक है। तो अर्थात प्रति 100, तो यहाँ पर है प्रत्येक 100, तो अर्थात आप अगर 100 में से किसी भी चीज़ को लेते हैं तो वो आपका परसेंटेज हो जाता है। अगर हम बात करें कि भाई आपके पास है 20%, 20% का मतलब आपने 100 में से आपने क्या कर दिया, 20 को लिया है, इसलिए इसको कहते हैं आप 20%। अगर आप देखें प्रतिशत हो गया, भिन्न हो गया, या अगर आप बात करें दशमलव की, तो ये तीनों एक ही चीज़ है लगभग, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। भिन्न जो होता है दोस्तों, भिन्न का मतलब कि ये दो तीनों ही चीज़ क्या है, जो भिन्न है दशमलव प्रतिशत दोनों ही क्या है, भिन्न है। भिन्न में आप क्या करते हैं कि आप कुछ भी हो सकता है, कि जैसे हमने बोला कि भाई किसी कोई ऑब्जेक्ट है उसके 5 टुकड़े आपने किए, कोई वस्तु 5 टुकड़े किए उसमें से 2 टुकड़े आपने लिए, तो 2/5 आपके भिन्न है। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे भाई वस्तु के आपने 10 टुकड़े किए हैं, वस्तु के 10 भाग किए हैं और 10 में से आपने 2 भाग लिए, तो ये इसको आप बोलते हैं 2/10। 2/10 का मतलब है दशमलव 2, अर्थात दशमलव 2 दसवां का दूसरा भाग। लेकिन अगर हम यही बात करें कि किसी वस्तु के 100 टुकड़े कर दें, 100 वस्तु आपने, वस्तु के आपने क्या कर दिया 100 टुकड़े, 100 भाग कर दिए और उसमें से आपने 20 भाग लिए, तो इसको आप बोलते हैं प्रतिशत। तो बोलने का मतलब है भिन्न हुआ, भिन्न प्रतिशत और दशमलव एक ही चीज है। प्रतिशत में आप 100 भाग करते हैं और दशमलव में आप केवल 10 भाग करते हैं। अब देखिए अगर आप प्रतिशत की बात करें तो हमने बात की कि प्रत्येक 100 में से आपने जितना लिया। अब देखिए जनरली क्वेश्चन थोड़ा सा अगर देखें कि अगर हम बोलें भाई कि 100 का 50%, तो 100 का परसेंट मतलब 100 में से आपने जो 50 लिए तो वो 50% हो गया। लेकिन अगर हम यही बात करें कि 90 का 50% कितना होगा, तो 90 क्या है, 90 को आपने पूरा 100 मान लिया, तो 90 का 50%, ठीक है दोस्तों, 90 का अगर हम 50% बोलते हैं तो 100 का 50 कितना होता है, उसका आधा, तो 90 का 50% क्या हो जाएगा, उसका ठीक आधा 45, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि 45 का 60% कितना होगा। तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन करना, तो 45 का पहले 10% निकाल लीजिए, 10% आ जाएगा 10 का भाग देके, तो 4.5, और इसका गुणा कर देंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 27। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 45 को आप 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, 40 × 5, और 40 और 5 का आप 60% निकाल लेंगे, दोनों का जोड़ कर देंगे। अब देखिए 40 का 60% कितना हो जाएगा, तो 6 × 24 आपने क्या कर देना, 4 और 6 का गुणा कर देना है। 0 0 क्यों नहीं लगा रहे आप, आपको पता है 100 में से भाग देना है, क्योंकि प्रति 100 है, तो इसलिए 100 का आप 100 को 100 का गुणा कर ही नहीं रहे हैं, 0 0 गुणा कर नहीं रहे हैं। तो 6 × 24 और प्लस 6 × 5 = 30, तो 300 होना था, ठीक है दोस्तों, 300 होना था, और बट्टे आपने 100 करना था, तो प्रति 100 था, तो इसलिए 2 0 तो कटनी है, तो इसलिए हमने 0 वालों को हटा दिया। अगर जिसमें 0 नहीं होगा तो उसमें दशमलव लग जाएगा, तो 2403 27। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाते हैं, पर आपको थोड़ा समझना है कि प्रत्येक 100 में से आपको चीज़ों को लेना। तो चलिए उदाहरण कर लेते हैं आज की वीडियो का, जो पहला क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए क्या चाहिए, 50% अंक, और वह कितने अंक लाता है, 50 अंक लाता है, और वो 50 अंक जब लाता है तो साथ ही 50 अंकों से वो फेल भी हो जाता है। उसने 50 अंक लाए और पास होने के लिए उसे अभी 50 अंक चाहिए, मतलब फेल वो 50 अंकों से हुआ, तो अधिकतम पूर्णांक कितना होगा। अब देखिए दोस्तों 50 अंक लाया और अगर वो 50 अंक और लाता है तो वो पास हो जाता है, अर्थात 100 नंबर पे वो पास होता है। जब वो 100 नंबर पे पास होता है तो वो उसका क्या है दोस्तों, 50% है, क्योंकि पास होने के लिए चाहिए था 50 नंबर और 50% अंक हो जाता, तो 100 क्या है, 50% है पूर्णांक का। तो जब 100 क्या है, 50% है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 50% का दुगुना हो जाएगा 100%, तो इसलिए हम 100 का दुगुना कर देंगे सीधा 200। आपको कुछ नहीं करना है, 50 का दुगुना 100%, क्योंकि परसेंट आपको क्या चाहिए, पूरा कंप्लीट 100%, तो 50 का आपने 100 कर दिया, तो 50 का आपने यहां पर 100 का आपने 200 कर दिया, तो इसलिए आंसर आपका हो जाएगा ए आंसर 200, ठीक है। कितने देखो कितनी बड़ी कितनी आसानी से हुआ, आपने 50 जोड़ दिया और 50 का दुगुना 100%, और इसलिए जो 100 नंबर थे उसका दुगुना भी 200। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन कैसे होता है कि यदि किसी, देखो 20 से 25 सेकंड में आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा कि यदि किसी संख्या के 200% का मान 90 है, ठीक है, बात क्या की गई है कि 200% संख्या का मान 90 है, तो उसका 80% कितना होगा। तो अगर आप देखेंगे निकालेंगे इसको तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, तो इसको बड़ी आसानी से कह सकेंगे 200% क्या है 90, तो 1% इसका निकाल लीजिए, 1% क्या हो जाएगा 90/200।
हमें क्या चाहिए 80%, तो 80 का गुणा कर लीजिए, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटा, 2 चक्को 8 और 9 चक्को 36, तो दोस्तों 36 आपका आंसर बड़ी आसानी से आ गया। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आपकी ये आंसर आ जाते हैं। नहीं तो जनरल मेथड से क्या करना था, तो सबसे पहले आपने माना था कि भाई 200 क्या है, x का 200% 90 है, तो x का 200% 90 है, ठीक है, फिर आपने 90 करना था, फिर x का मान निकालना था, फिर उसका 80% निकालना, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस तरीके से आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं कई बार कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गए, तो कुल कितने मत हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला गया है कि एक उम्मीदवार को 30%, अब देखिए कुल मत क्या होते हैं, 100%, कुल मत 100 है, 100, क्योंकि प्रत्येक को आपने 100 मानना है, तो 100 में से एक उम्मीदवार को 30% अगर मिलते हैं तो दूसरे को मिलते होंगे 70%। दोस्तों जिसको 30% मत मिले वो 1600 मतों से हारा, मतलब जो 16000 मतों से हारा, इसका मतलब जिसको ज्यादा मत मिले इसमें से 16000 इसको कम मिले, मतलब इसमें से इसका डिफरेंस क्या है दोस्तों, 16000 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 16000। अब देखिए परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लेंगे, 70 में से 30 गया तो 40% किसके बराबर है, जब अंतर 40% था तो 16000 का अंतर आया, तो यहां से 1% निकाल लीजिए, तो 1% अगर हम यहां से निकाल लेंगे तो 16000 में क्या कर देंगे, 40% का भाग दे देंगे, 40 का भाग देंगे, हमें क्या चाहिए कुल कितने मत, अर्थात कुल मत का मतलब 100% हमें चाहिए, तो गुणा कर देंगे 100 का, ठीक है, तो कुल में आके आगे पास क्या हो गया 16000 बटे 40 गुणा 100, तो 1 0 से 1 0 कटा, ठीक है दोस्तों, तो 4 चक्को 16 हो गया, और ये हो गया आगे पास 4000 गुणा 100, तो ये 40000 हो गए। तो देखिए बड़ी आसानी से आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, बड़ी आसानी से आपका आंसर आ गया डी 40000। आपने क्या कर दिया कि प्रत्येक को 100 से मान लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ इसी तरह से क्वेश्चन होगा कि चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार जिसने कुल मतों का 84% लिया, वह दूसरे उम्मीदवार से 476 वोट के अंतर से जीता, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या बोला है कि कुल आपके पास है 100, एक जो जीता है उसने 84 मत लिए, और जो हारा है उसने कितने लिए होंगे, तो ये 16% लिए होंगे, ये 84% इसने लिए और 16% इसने लिए, वह दूसरे उम्मीदवार से, वो इससे जो हारा है, जो ये वाला हारा, वो 476 वोट से हारा, या हम ये बोल सकते हैं ये 476 वोट से जीता, अर्थात जो इन दोनों का अंतर है वो है 476, ठीक है दोस्तों। तो 476 जब इसका अंतर, तो 84 में से आप 16 घटा दीजिए, तो 16 अगर आप घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, और यहां पर हो जाएगा 68, अर्थात 68% का अंतर है, जो परसेंटेज का अंतर है 68, और एक्चुअल में अंतर कितना है 476 है, तो इसका मतलब है कि 68% किसके बराबर है, 476 के बराबर है, तो आप क्या कर देंगे, एक परसेंटेज निकालेंगे, तो 1% हो जाएगा 476/68, और आपको क्या चाहिए कुल चाहिए, तो कुल का मतलब है आपने 100 का गुणा करना है, चुनाव में कुल कितने वोट थे, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको कर पाएंगे। तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए 17 का इसको काट दो, तो 17 चक्को 68 हो गया, और इसको अगर आप 17 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 119, और फिर 17 7 119, और 7 का भाग 100 में, तो ये हो जाएगा 700, तो डी आंसर आपका आ जाएगा बहुत आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक चुनाव में खड़े 2 उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% पड़ा, तो मतलब कुल वोट कितने थे 100%, उसमें से पड़ा उसको 41%, और दूसरे उम्मीदवार ने उसे 270 वोट से हराया, तो अंतर वही है आ रहा अंतर, तो अगर 41% किसको मिले जो हारा है, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 59, इसमें से इसका परसेंटेज घटा दो, तो 59 9 में से 1 गए 8, 5 में 4 गए 1, 18% वोट का अंतर आया, और कितने वोटों से हराया 270 वोटों का अंतर क्या था 270, तो 1% कितना हो गया दोस्तों 270/18, और हमें कितना चाहिए कुल वोट अर्थात 100, समझ गए आप, तो यहां से आप 3 से काट दीजिए, तो 3 6 18, 3 9 27, और 15 6 90, और 15 × 100 1500, बी आंसर आपका बड़ी आसानी से आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका क्या है बहुत इजी तरीके से हो जाता है, क्या बोलते हैं इनको, प्रतिशत के क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कितना आसान क्वेश्चन है, कितने आसान से हो रहा है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 10 वस्तुएं आपने खरीदी
और उसको आपने उतने 9 वस्तुओं के बराबर बेच दिया, अर्थात आपको फायदा क्या हुआ, एक वस्तु का फायदा हुआ। आपने 10 वस्तुएं माना, आपने क्या कर दिया, 10 रुपए में ले ली, तो आपने 9 वस्तुएं ही 10 रुपए में बेच दी, तो 1 रुपए का आपका फायदा हो रहा है या एक वस्तु का फायदा हो रहा है। फायदा कितने वस्तु का हो रहा है आपका, एक वस्तु का। बेचा कितनी वस्तु आपने, 9 वस्तु, तो आपका क्या हो गया, फायदा एक वस्तु का, 9 वस्तु पर एक वस्तु का फायदा हुआ आपको, 9 वस्तु पर एक वस्तु का फायदा हुआ। तो इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, तो 9 का भाग 100 में दीजिए, तो 9 एकम 9 10, 9 एकम 9 और बटे 1/9, तो 11 से 1/9% आपका डी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर, अब देखिए थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। यदि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दी तथा परिणाम में पुनः 20% की वृद्धि कर दिया, तो कुल प्रतिशत कितना हुआ। अब देखिए थोड़ा इसको पहले बड़े आसानी समझते हैं कि किसी कोई वस्तु माना, हमने बोले भाई 100 रुपए की एक वस्तु थी, प्रत्येक को आप 100 से मान लीजिए, आपने 20% की उसमें वृद्धि करी, तो अब कितनी हुई है, 100 का 20 20% होता है, तो अर्थात ये 120 की हो गई वस्तु, और 20 की अब आपने और वृद्धि कर दी, तो 120 का 10% क्या है, 12, तो 20% क्या हो जाएगा, 12 दुनी 24, तो 120 + 24 कितना हो जाएगा, 144। तो 100 रुपए की वस्तु अब कितनी की हो गई, 144 की हो गई, 100 में 144 की 144, अर्थात टोटल 144, तो 44 की वृद्धि, तो 44% हो गया। अब इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आप उसको याद करते हो बड़ी आसानी से हो जाएगा, कि अगर आप क्या करते हैं, लगातार आप क्या कर रहे हैं, वृद्धि पे वृद्धि कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100, ठीक है। अब देखिए पहले क्या था, 20% की वृद्धि, फिर क्या हुआ, 20% की वृद्धि, तो कुल वृद्धि के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है, कुल वृद्धि के लिए फॉर्मूला है, तो 20 × 20/100, तो 0000, तो 2 × 2 = 4, 20 × 20 = 40 और 4 = 44, आपका आंसर बड़ी आसानी से आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि होती है और उसके उपरांत 20% की वृद्धि होती है, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो सबसे पहले हम ये देते हैं कुल वृद्धि कितनी हुई है, तो कुल वृद्धि 10 a + b 20 + a × b 10 × 20/100, ये तो था फॉर्मूला भी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 एकम यहाँ 2 बच गया, तो 210 30 और 32% की वृद्धि हुई, अर्थात अगर 100 रुपए की वस्तु है तो वो कितने की हो गई, 132 की हो गई। इतना समझ गए दोस्तों आप, 100 रुपए की वस्तु में 32% की वृद्धि हुई, 132 की हो गई। अब ये क्या बोलिए, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य जो कि अर्थात जो 132 है वो किसके बराबर है, एक्चुअल में वो 33 के बराबर है, तो अर्थात 132 आपके पास कितना है, 33 के बराबर है, तो इसका एक भाग कितना हो जाएगा या 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 33/132। और हमें क्या चाहिए कि पहला कितना है, तो पहला कितना था, पहला था 100, अर्थात 100%, अब वो 132% हुआ था, तो इसलिए 132 33 के बराबर था, तो एक भाग उसका 33/132 और गुणा कर दो 100 का, क्योंकि हमें पहला वाला चाहिए, अर्थात मूल जो था 100% वो आपको निकालना है, तो यहाँ पर आप निकाल देंगे 33 है तो 11 का आप भाग लीजिए, भाग दे दीजिए दोनों में, तो 11 3 ऊपर कट गया 3 और ये हो जाएगा 11 एकम 11 और 22 11 दूनी 22 गुणा 100 और 3 चक्को 12 और 4 का भाग 100 में और 25 चक्को 100, तो 25 आंसर इसका हो जाएगा, मूल रूप से वो 25 रुपये था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यदि किसी वस्तु की 10 तथा 10% की क्रमवार मूल्य वृद्धि हुई, तो एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल है, अर्थात पहले 10% की वृद्धि हुई फिर 10% की वृद्धि हुई, तो कुल वृद्धि कितनी होती है, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी कर चुके हैं, तो 10 की वृद्धि हुई तो 100 में 10 की हुई तो 110, अब 110 में फिर 10, तो 110 का पहले 10% कितना, तो 11, तो 110 + 11 कितना हो जाएगा, 121, अर्थात 21% की वृद्धि हुई, या हम ऐसा कर सकते हैं 10 + 10 + 10 × 10/100, तो इस तरीके से दोस्तों आसानी से कट गए 1 कम 1 10 10 20 और 1 21 21% की वृद्धि हो गई है। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि परसेंटेज के क्वेश्चन कितने आसानी से होते हैं अगर आप थोड़ा सा इसको समझ गए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत ही प्यारी प्यारी ट्रिक लेके आते हैं हर वीडियो में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को बस इतना ही, मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।